मैंने आपको पता है मैंने ट्रांजिशन करवाया फीमेल टू मेल करी। हाँ क्या रिएक्शन था आपका? करी ऐसे भी ऐसे भी होता होता है। है। हेलो दोस्तों, मी राजवीर, मेरी मी वाइफ, हिमलता। माय वाइफ हिमलता। पहले आप लोगों ने मुझे कैमरा में इस चैनल पे मुझे ही देखा होगा इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते हुए, और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियो थी वो हिट गई थी 1.6 मिलियन, उसपे उससे भी मैक्सिमम हो चुका है, तो उस चीज की अलग ही खुशी है। और मैंने व्लॉग वाला एक चैनल अलग बनाया था जिसपे मैं अपनी मैरिज भी उसमें दिखाई है कि शादी और शादी के बाद के व्लॉग्स, तो डेली रूटीन हम अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। तो उसका चैनल का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा हमारा चैनल, जिससे कि आप हमारी डेली रूटीन की लाइफ देख सकते हैं। हमारी कहानी अनोखी इसलिए है कि मैंने ट्रांजिशन कराया फीमेल टू मेल। इस वीडियो में हम अपनी लव स्टोरी बताने के लिए आए हैं आप लोगों को। बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप अपनी लव स्टोरी बताओ कि आप लोग कैसे मिले, कहाँ मिले और शादी तक कैसे पहुंचे, क्योंकि मोस्टली मोस्टली डिमांड इसलिए थी क्योंकि ट्रांजिशन में लोगों के जैसे पेरेंट्स नहीं मानते हैं और लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ट्रांजिशन के बाद भी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है क्या, या शादी भी हो सकती है, या सुंदर बीवी भी मिल सकती है। तो लोगों को ये डाउट रहता है, एक क्वेश्चन रहता है माइंड में। तो जी बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल 101% सक्सेसफुल लाइफ है और बहुत खुशी खुशी भी जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते और कईयों की गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है यहाँ तक की, क्योंकि वो ट्रांजिशन के से पहले ही वो कराने से पहुंचते हैं इतनी देर में ही उनकी शादी हो जाती है। और बहुत सारी लड़कियां भी डंप कर देती हैं कि ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे आगे हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, तो वो डर के मारे। बहुत हर किसी का अलग अलग केस है, जहां मैंने सुना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों की स्टोरी जानने के बाद। तो शादी में तो मैं बिजी रहा था, मैं बहुत लोगों के रिप्लाई भी नहीं कर पाया था, और अब मैंने स्टार्टअप किया है दोबारा से इस चैनल पे भी और लोगों के आंसर करने में भी। आज हम फिर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं खींचेंगे, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ूंगा, कहीं कहीं मतलब मेन मेन चीजों को हम हाईलाइट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी लव स्टोरी को। सबसे मतलब हम दोनों का सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हम दोनों का अलग अलग पास्ट रहा है पहले, और बहुत लोग जानते भी हैं मेरे बारे में, हिमलता के बारे में नहीं जानते, मेरे पास्ट के बारे में बहुत लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हिमलता अपने पास्ट से शुरू करे, एंड फिर मैं अपना पास्ट अपनी बातें शेयर करूंगा कि मेरा कैसे ब्रेकअप हुआ और कैसे मेरा हिमलता से मिलना हुआ। सबसे पहले आप बताओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमलता है, जैसा कि अभी आरवी ने बताया आपको, दिसंबर में हम लोगों की शादी हुई है। सबसे पहले हम कैसे मिले, कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे थे कि हम कैसे मिले, और मेन चीज सिस्टी को लेके कि सिस्टी कौन है। बहुत से लोगों ने पूछा भी कि आपकी शादी तो अभी हुई है लेकिन आपकी बेटी, तो इसी तरह के कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। रही पास्ट की बात, तो हम दोनों का पास्ट था। पास्ट के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि मैं जब इनसे मिली उस टाइम मेरा डाइवोर्स केस चल रहा था, जिससे कि सृष्टि मेरी बेटी है। और जब मैं इनसे मिली, जब वो पौने दो आई थिंक 2 या 2.5 साल की थी, मैं स्कूल में जॉब करते थे हम, और केस मेरा चल रहा था जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी। मैंने जब भी मतलब जाना एज ए फ्रेंड, तो मुझे पता चला था कि पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब साथ में बेटी को देखा तो मुझे पता चला, स्कूल में जैसे ऐसे पता चला था कि ये डाइवोर्स केस चल रहा है और ऐसे ऐसे। तो उस टाइम थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्टर्ब ही रहता था, ये समझो कि मतलब किसी भी रिलेशनशिप से तो मेरा जैसे विश्वास ही उठ गया था, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास होता है, जो सिचुएशन जो कहानी मेरे साथ रही, क्योंकि किसी पे जब हम ट्रस्ट करते हैं हमारा ट्रस्ट टूटता है, तो समझो कि लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है। और जब मेरे साथ तो मेरी बेटी थी, मुझे अपने साथ साथ मुझे उसका भी सोचना था, तो उसी को लेके मेरे माइंड में बस वही चीज रहती थी कि कैसे होगा, आगे कैसे करूंगी, उसको भी संभालना होता था, खुद को भी संभालना होता था, साथ के साथ मुझे जॉब भी करनी होती थी, तो मैंने उसको भी अपने साथ ही ले जाना शुरू कर दिया था। पहले क्लास में वो रहती थी, मैं अपना टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, हम लोग स्कूल में ही मिले थे, तो उसके बाद से ही कुछ टाइम बीतने लगा, हम लोग आपस में एज अ कलीग बात करते थे। आप उनसे ज्यादा क्लोज होते हो जो आपकी बात समझता है और सुनता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पीठ पीछे लोगों ने बातें नहीं की, मेरी लाइफ में क्या था क्या नहीं था वो मुझे पता है, लेकिन जब हम होते हैं और किसी को सिर्फ हमारे छोटी सी किसी चीज का पता चले कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं बिना उस रीजन को जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने सारी चीजों को इग्नोर करते हुए मैं अपनी लाइफ में
आगे बढ़ रही थी। कोई एक ऐसे दोस्त की तलाश थी, तलाश नहीं कहूंगी मतलब कमी कहूंगी, कि कोई हो जिसके साथ मैं अपना मतलब मन की बातें मैं शेयर कर सकूं। तो जब इनसे मेरी बातें होना शुरू हुई, इन्होंने अपने बारे में बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं जानती थी कि ये एक ट्रांस मैन है, मैंने कभी सुना भी नहीं था ट्रांजिशन के बारे में, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल नॉर्मल घर में रहना हाँ पढ़ी लिखी पूरी हूँ, पर उस तरह से चंट चलाक पर नहीं है कि मतलब जैसे लोगों में होता है कि पढ़े लिखे होने के साथ साथ मतलब ज्यादा ही मतलब चंट चलाकपन नहीं था। और मतलब बहुत सारी चीजों के सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा नहीं जानना, इस चीजों के बारे में ज्यादा एक्टिव नहीं होना कि आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि वो ये मतलब अपने डिप्रेशन से ही बाहर ही नहीं थी। इतने डिप्रेस थी कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसको पता ही नहीं होता कि आसपास क्या चीज है, क्या एक्टिव है, तो उसका ध्यान इतना ही नहीं था। और अपना मतलब स्कूल में आना बेटी की पढ़ाई के लिए, इवन ये सिर्फ सिस्टी के लिए इतने एफर्ट कर रही थी मुझे जॉब करनी है, क्योंकि घर में इतनी गुंजाइश इतनी नहीं थी कि मतलब आगे चीजें प्रोसेस हो पाए, क्योंकि सेल्फ डिपेंड रहना चाहती थी कि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, बोझ ना बनूं, कि अपनी बेटी को खुद पढ़ाऊं और आगे मैं भी कुछ करूं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ में चाह रही थी कि मेरी शादी वाली जो मैरिड लाइफ है वो खुशी खुशी हो जाए, मैं किसी तरह से मेरी मतलब लाइफ फिर से सेटल हो जाए। वो किसी रीजन से यही था कि हम देखो आप अब रही बात, बहुत लोग ऐसे जानना चाहेंगे कि डाइवोर्स क्यों हुआ हिमलता जी का, तो मैं क्लियरली ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम किसी थर्ड पर्सन को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ना किसी को ब्लेम करना चाहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब एक अलग बात है। हम यहाँ अपनी स्टोरी बताने के लिए आए हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। तो पास्ट हमें इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि फिर लोगों के क्वेश्चंस खड़े होते हैं, क्योंकि ये शादी पहले से मैरिड थी, तो इसीलिए हमने इस चीज को बताया है कि पास्ट था। और वो मुझे बताया कि हेमलता अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब जैसे बाय हार्ट मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं ऑलरेडी एक रिलेशन में था और ये इसका डाइवोर्स चल रहा था, ऐसे मैं भी वहाँ पे फ्रेंड में मतलब जानता था कि हाँ भाई ये पर्सन है। ऐसे ही एक दिन मतलब ये तो हमारा पास्ट, ये तो हेमलता का पास्ट खत्म हो गया यहाँ पे, कि वो पास्ट में उसके क्या हुआ। डॉटर थी, 2-2.5 साल की थी जब उसका डाइवोर्स सब केस चल रहा था, तब पेपर आए थे शायद ना डाइवोर्स के। वो मतलब इसके साथ एक तरह से मैं यही कहूंगा कि फ्रॉड हुआ था, मतलब डाइवोर्स को लेके, मतलब वो शादी होके भी, जैसे आप बोल रहे थे वो शादी होके भी शादी वाला रिलेशन नहीं था, उस चीज के लिए मतलब फिर भी एफर्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इसकी खुद के लिए नहीं सही लेकिन इसकी डॉटर के लिए वो लाइफ फिर से सेटल हो जाए। कहीं ना कहीं ये अपने आप को मतलब ऐसे डिप्रेशन में रख लेगी लेकिन बच्चे की लाइफ खराब ना हो, क्योंकि एक दूसरे फादर को एक्सेप्ट करना बच्ची के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, दूसरा फादर मिलना, और कोई बंदा ऐसा जो एक बच्ची को एक्सेप्ट करे एक फीमेल के मतलब साथ। तो ये पास्ट हेमलता का यहाँ खत्म होता है, और भी आगे हम करेंगे अगर क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हम बनाएंगे आगे। तो रही बात फिर आते हैं मेरे पास्ट की, तो जो मेरा पास्ट था मैं भी रिलेशनशिप में था, और लोग बोलेंगे कि यार रिलेशनशिप में, जैसे बहुत लोगों ने बोला कि रिलेशनशिप में थे तो आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि, और हाँ कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी, कुछ लोगों ने ये भी यहाँ तक भी बोला कि उन्हें उसको धोखा दिया, उसको धोखा देके इसे शादी कर ली, ये फलाना ढिमकाना। देखो मैं, लोग तो जितने मुंह होंगे उतनी बातें बनाएंगे, मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग जो ऐसी बातें बनाते हैं, उसकी लाइफ मेरी है मुझे पता है। क्योंकि जब मैं 10 से 11 साल 12 साल किसी के साथ रह सकता हूँ रिलेशनशिप में, तो मुझे आगे भी क्या ही प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप में। और जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कैमरा के आगे मैं नहीं ये चीजें बोल सकता, क्योंकि मैं किसी, वही चीज मैं दोबारा बोलूंगा कि मैं किसी थर्ड पर्सन की लाइफ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ पर अपनी स्टोरी बताने आए हैं। मेरी तरफ से जैसे मैं सिर्फ एक मोटी मोटी हिंट दूंगा कुछ बातें, जैसे कि किसी भी रिलेशनशिप में मेन होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नहीं रहेगी, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत सी ऐसी बातें बोली जाए जो आपको पिंच करे, या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो और जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं बहुत चीजें ऐसी हो जहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको एडजस्ट होती हैं, एडजस्ट करनी होती है, वो रिलेशनशिप में फिर मतलब क्या ही कहना, वो उसमें आप लोग ये चीज समझ सकते हैं। मैं इससे ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि किसी पर्सन को हाईलाइट करके नाम ज्यादा मैं लेके फिर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो ये मेरा पास्ट था, वहां से ही फिर डिसीजन मेरा ये था कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, ये मेरा डिसीजन था। और लोग, मैं किसी को मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उसका डिसीजन था, या ये मेरा डिसीजन था कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, क्योंकि जब हमारा दिल गवाही दे
देता है ना कि ये इसके साथ मेरी नई निभनी या ऐसा है, तो मैं जबरदस्ती नहीं रह सकता उस पर्सन के साथ। आपको इस चीज को कुछ भी कहे कि धोखा दिया या फलाना या जो भी कुछ कहे, बहुत से ऐसे लोग हैं। मैंने हिमलता को ये बोला कि हम अपनी लव स्टोरी बताएंगे, तो कुछ कुछ लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो मैंने कहा कि देखो, लोगों की डिमांड है, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हमें अपनी लव स्टोरी बतानी है। अगर 100 लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो 9 से 10 लोग ऐसे आएंगे ही यहाँ पर जो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे ही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उन 100 लोगों की तरफ देखो जो हमारे साथ हैं, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कोई इस चीज के बारे में ये सोचता है कि मैंने धोखा दिया, ये मेरी विश है, ये मेरी लाइफ है। अगर मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है या मैं कहीं मैं खुश नहीं हूँ किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज फील खुद ब खुद होगी कि मुझे उस रिलेशनशिप में घुटन हो रही है, मुझे उसका कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। अगर मुझे उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा तो मैं क्यों रहूंगा उस रिलेशनशिप में। बहुत से ऐसी बात है जो मैं ओपनली इस वीडियो में मैं नहीं शेयर कर सकता। इस चीज होती है कि जब हम ही खुश नहीं है किसी के साथ, तो हम दूसरे को कैसे खुश रख पाएंगे। वही चीज इनके साथ थी कि जब खुद ही खुश नहीं है तो मतलब साथ में पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे। उसी टाइम जब हमारा मिलना हुआ तो इनका ब्रेकअप होना था, मेरा डाइवोर्स केस चल ही रहा था, तो वो भी एक टाइम पर आकर वो भी खत्म हो गया था। उसके बाद हमारी बातें होती थी, एक दूसरे को हम समझते थे, साथ में रहते थे, साथ में रहना मतलब आपस में बातें करना अच्छा लगता था, हंसी मजाक कुछ कुछ। मैं कुछ कुछ स्कूल की बातें बताना चाहूंगा। जैसे एज ए फ्रेंड हम रहते थे, फ्रेंड भी खैर क्या, मैं अपना बताता हूँ कि मैं स्कूल में कैसे होता था कि भाई मुझे अपना काम करना है और फ्री टाइम में मिल गया तो मुझे सोना है, मेरा ऐसा होता था। तो ठीक है, बहुत सारे टीचर्स थे तो आर्ट रूम मुझे सेकंड फ्लोर पे मिला हुआ था। सब फ्लोर के मतलब टीचर जो भी क्लासेस थी तो उस फ्लोर से टॉप फ्लोर पे था, तो वहां पर कोई भी क्लास नहीं थी, तो मैंने वहीं पर ही लिया था शांति में, क्योंकि मुझे शांति पसंद है वहां। फिर क्या हुआ कि अब मेरा बोलबाला तो मेरे काम से ही होने लगा वहां पे। तो जब प्रिंसिपल इम्प्रेस तो सारी टीचर्स तो इम्प्रेस होनी थी, तो टीचर्स इम्प्रेस उसमें। तो ऐसा क्या हुआ कि एक बार ऐसे है ना, फ्री पीरियड था तो मेरी कॉरिडोर में ड्यूटी लगाई हुई थी। ऐसे जाओ मतलब जैसे लगा देते ना फ्री पीरियड में ड्यूटी लगा देते हैं स्कूल वगैरह में, तो ऐसे ही कौन सा रूम था वो, जब कंप्यूटर रूम, स्टाफ रूम में हिमलता बैठी हुई थी। ये अपने कुछ नोट्स कंप्यूटर पर बैठ के बना रही थी, पेपर तैयार कर रहे थे आप, हाँ पेपर्स वगैरह कुछ बना रहे थे। तो मैं ऐसे कॉरिडोर में ड्यूटी ऐसे लगी होती है कि ड्यूटी में मींस पूरे ये देखना होता है कि कोई बच्चा क्लास से बाहर ना निकले, शोर ना आए, तो मतलब मेंटेन करना है आपको कॉरिडोर को। तो उस पीरियड में तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो मैं बोर हो रहा था, तो वहां पे घूमते घूमते फिर मुझे स्टाफ रूम में ये मिली। मैंने बोला हेलो मैम, क्या कर रहे हो? मतलब ऐसे टोन में नहीं बोला था, मतलब अभी बोल रहा हूँ। तो प्यार से बोलते थे ना, हाँ हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, कैसे हो, क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं सर, पेपर बना रही हूँ। और उस दिन था फास्ट, तो मैं ऐसे ही फास्ट के बाद मैंने कहा कि मैम आप वीरवार क्या फास्ट रखते हो थर्सडे के? कह रही हाँ जी सर। तो ये क्या करती थी कि चाय भर के बना के, फास्ट में कुछ नहीं, सिर्फ केतली में चाय भर के बना के वो ले आती थी, और वो 1.5 से 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद वो चाय पीती थी। और जब मैं ये सोचता था क्या बंदी है ये, कितनी रखी हुई चाय पीती है, मैं तो 5-10 मिनट रखी हुई चाय ना पीऊँ, ये तो दो दो स्कूल में चाय नहीं मिलती थी, स्कूल में चाय नहीं मिलती थी, और ये फास्ट रखती थी, तो फास्ट पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, पूरा दिन सिर्फ चाय पे जिंदा। मैंने कहा भगवान, मैंने कहा ऐसे सन के लोगों को कौन समझाए। फिर और उसी दिन, हाँ उसी बात बताता हूँ, तो मैंने ऐसे मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं मतलब नोट्स वगैरह तैयार कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने बातचीत करते करते मैंने बताया कि आप मेरे बारे में जानते हो क्या? मैंने कहा वैसे तो सभी को ही पता होगा, स्कूल जब सबको पता है तो आपको भी पता होगा, पूरे स्टाफ को ही पता था मेरे बारे में, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे वीडियो किसी को दिख गई होगी, तो उन्होंने ऐसे ही पता ही है कि एक मतलब एक से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे, तो पूरे स्टाफ को ये बात पता ही थी। मैंने खैर बताया नहीं था किसी को, मैं अपने मुंह से किसी को मैं बहुत ही रेयर बताता हूँ। जब किसी पर्सन से मुझे अच्छा लगता है बात करने में तो मैं खुद ब खुद मैं शेयर कर देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं शेयर करता, अपने आप पता चलेगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे तो पर्सनली आगे होता है, तो ऐसे ही मैंने बताया। करी क्या करी, मैं तो नहीं जानती। मैंने कहा पूरे स्टाफ को पता है, आपको नहीं पता? नहीं सर मैं तो नहीं जानती। क्या? मैंने कहा आपको पता है मैंने ट्रांजिशन करवाया फीमेल टू मेल? करी हाँ, क्या रिएक्शन था आपका? करी ऐसे भी होता है? मैंने कहा हाँ जी ऐसे भी। मैंने कहा ऐसे ही है।
मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं मैम मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में। तो उस टाइम मेरी ज्यादा मतलब दाढ़ी वाड़ी भी नहीं आई हुई थी, मूछें हल्की फुल्की थी, मैं थोड़ा गोलू गोलू सा लगता था, मतलब ज्यादा मतलब बच्चा जैसा लगता था, जैसे वो होते हैं ना 12-13 साल के बच्चे, 14-15 साल लगा लो, ज्यादा 15-16 साल। तो इतने ऐसे टीन एज में आते तो मैं ऐसा लगता था। जब मेरी दाढ़ी मूछ ज्यादा आई नहीं थी क्योंकि मैंने जॉब तो स्टार्ट कर दी थी, तो ये बात और कुछ बातें और, हाँ जैसे कि चाय वाय जैसे लाती थी तो क्या मतलब मेरे, मैं ऊपर रहता था तो मेरे लिए चाय भेजी, मतलब चाय भेजना, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक मतलब क्या एक रिलेशनशिप में थे तो ये चीजें थी, ऑटोमेटिकली चीजें कनेक्टेड थी। मतलब एक एक दोस्त दोस्त के लिए करता है ना, जैसे हम एक अच्छे विचार से अच्छे मतलब उससे कुछ अपने दोस्त के लिए कुछ करते हैं कि ये अपने आप ये ऐसे करती थी कि ठीक है मतलब चाय लाई है तो मेरे लिए चाय भिजवा दी, क्योंकि मैं इसका क्या था कि ये ना मतलब जो पीठ पीछे अगर बुरा है ना तो ये उससे बुरी है, इसको पता होता था कि मेरे पीठ पीछे कौन मेरे से बुरा है, तो ज्यादा ये बात नहीं करती थी उससे। और अगर जैसे किसी को इसको पता है कि स्कूल में ये 2-3 लोगों से ज्यादा कनेक्टेड थी, ज्यादा से ज्यादा 3-4 होगा मुझे नहीं पता, मेरे से भी कनेक्टेड थी, क्योंकि इसको पता था कि कौन साफ सीधी बात करता है, कौन पीठ पीछे और घुमा के बात करता है, तो अक्सर स्कूल में पॉलिटिक्स तो ये चीज चलती है। मेरा एक चीज रही है मेरे अंदर कि मतलब अगर सामने वाला आगे मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है और आपको पता है, तो मैं उससे अलग हो जाती हूँ, मैं उससे बात करना ही पसंद नहीं करती। तो वही चीज, ये ऐसा नहीं है कि लोगों की बातें पता नहीं चलती है, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं बात बताएगा ही। मुझे हर किसी का पता होता था कि किस बंदे ने मेरे लिए कहां पर क्या बात की है, इसीलिए मैं ज्यादा किसी से बात ही नहीं करती थी, मैं अपने काम से मतलब रखती। वैसे ही मुझे ये दिखाई दिए थे इनका सिर्फ अपना काम होता था और ये काम मतलब हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं, रात को जागना या जैसे भी है, तो हमेशा सो काम है तो काम किया है, अदरवाइज ये इनको सोना है। तो बस वही थोड़ा सा मुझे मतलब अलग से लगे। ऐसे ही मैं एक बार की वो बताता हूँ, तो फ्री पीरियड में मेरा अक्सर है ना ये होता था कि ये हिमलता की है ना ये आदत थी ना एक, ये जब भी मैं मतलब दिखता था ना ये कोई दिखता था, एक्सक्यूज मी सर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, मैं प्रिंसिपल मैम के पास से आ रही हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ सर, या मैम प्लीज आप खड़े हो जाओगे, और फिर उसके बाद लग जाता था 15-20 मिनट, आधा घंटा, मतलब पूरा पीरियड ही निकल गया। मैम ने बुलाया है तो पता नहीं ना कितना टाइम लगे ऑफिस में। और मैं ना एक बार की बात बताता हूँ, ये क्लास में थी और मेरा था फ्री पीरियड, और ये क्लास में थी ना मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मुझे देख ना ले और मुझे ना बुला ना ले, बस उससे छुपते थे मतलब ये मुझे बुला ना ले, मैंने कहा कि क्या है ये मैम ना मुझे बुला ना ले, बस देख के कि सर प्लीज आके थोड़ी देर खड़े हो जाओ, मेरा फ्री पीरियड है, मुझे मैं सोचता यार मेरा फ्री पीरियड है मुझे सोना है जाके, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास अपने बहुत काम है। और प्रिंसिपल ने स्पेशली मुझे मैम ने ये बोल दिया था कि तुम्हें भाई किसी टीचर का कोई काम नहीं करना है, तुम्हें अपना काम करना है और सिर्फ अपना, और मेरे पास खुद की क्लासेज होती थी, अपने काम होते थे इतने सारे, फंक्शन के लिए डेकोरेशन करना और बोर्ड्स बनाना, फिर बच्चों की एक्टिविटी वगैरह ये सब क्लासेज लेना। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब हम पहले से रिलेशनशिप में थे, और मतलब ऐसी चीजें भी हुई हैं कि मैंने इग्नोर किया है, मैंने कहा कि यार ये बंदी तो है ना मतलब चेप है, ये मुझे बुला लेगी क्लास में चेप मतलब इन द सेंस की मतलब बुला लेगी मुझे, मतलब क्लास बुला लेगी मुझे खड़ा करके, खुद चली जाएगी। हाँ। फिर पता नहीं कितनी देर में आएगी, फिर कितनी देर? मेरा अक्सर ही होता था क्योंकि छोटे बच्चे होते थे, मदर टीचर थी मैं, तो बच्चों को अकेला ऐसे छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे आपस में फाइट वगैरह करते, वो सारा ब्लेम टीचर के ऊपर आ, तो अधिकतर और तो कोई टीचर दिखते नहीं थे और सबकी कहीं ना कहीं ड्यूटी होती थी मुझे क्योंकि ये ऊपर जाते थे तो मेरा रूम स्टेयर्स के पास ही था, तो ये मुझे दिख जाते थे विंडो में से, और जब कभी चप्पल टूटी है मेरे पास ही आना ग्लूगन, मतलब एक वो जो है ना ग्लूगन, आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस में कि वो ग्लूगन किसी बहुत से लोगों को पता होगा, तो चप्पल टूटने पे ना मोस्टली टीचर्स आते थे, तो ये मोहतरमा भी आई कि सर मेरी चप्पल टूट गई है, मैंने कहा आप भी ले लो ग्लूगन। तो ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत बातें होती थी स्कूल में। तो एक बार खुद ही मुझे बता रही थी जब मतलब हम रिलेशनशिप में आए थे तब बता रही थी ये बात कि एक बच्चों को कुछ ड्राइंग बनवा रही थी, तो वो ड्राइंग नहीं आई बच्चों को ड्रॉ करनी, तो मैंने अपनी फ्रेंड से मतलब वहां पे एक मैम और हैं तो उनसे बोला था, पता नहीं यार ये क्या कराते हैं राजवीर सर बच्चों को ड्राइंग करनी नहीं आती, मैं कहा ये बात आपने तब बोली होती ना तो मैं तब जवाब देता आपको। क्या बोला था? बच्चों को मैं ड्रॉ करा रही थी उनपे, मतलब कुछ बच्चे थे जो कर लेते थे, कुछ बच्चे थे जो जिसे
स्केल से भी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही थी, तो मैंने कही आर्ट टीचर क्या कराते हैं, राजवीर सर क्या कराते हैं बच्चों पे, बिल्कुल भी ड्राइंग करनी नहीं दिया। राजवीर सर तो उनके माइंड में घुस के बैठ जाते हैं ना कि क्या कराते हैं। तो यही हमारी थोड़ी बहुत मतलब छोटी मोटी नोकझोंक चलती रही, और मतलब टोटली मिला लो कि स्कूल में मेरा इम्प्रेशन हाई लेवल पे था, प्रिंसिपल मैम इम्प्रेस थी, तो और भी टीचर्स को मेरा काम अच्छा लगता था, और मतलब मैं बहुत लिमिटेड बात करता था, अपने काम से काम रखता था, और मेरा काम इसलिए मैंने अकेले में अपना रूम ले लिया था कि मुझे कोई फालतू में डिस्टर्ब ना करे, तो मैं अपना काम करता था, अपना बैग उठाया नीचे आ गया चले गए और फिर उसके बाद वापस अपने रूम में। तो प्रिंसिपल मैम ने खुद मुझे पूछा था देने से पहले रूम, तो मैंने कहा हाँ हाँ दे दो बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए। और कोई भी टीचर ऊपर चढ़ के आती थी ना सांस फूल जाती थी, तो कहते थे सर आपने कहाँ ले लिया रूम, मैंने कहा इसीलिए तो लिया है मैंने कि कोई ना पहुंचे। अब बताते हैं कि हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट है। हमारा एक साल बीता था ऐसे, हाँ उस स्कूल में एक साल हो गया था। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, इन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था, उसी सेम ईयर। हाँ सेम ईयर में ही ज्वाइन किया था। और तो और वो स्कूल जब हम लोगों ने छोड़ा तो वो शट डाउन हो गया था, मतलब कि शट डाउन उन्होंने वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था तो स्कूल बंद कर दिया था, तो यूनिवर्सिटी बना दी थी, तो इसलिए स्कूल शट डाउन हो गया। और हम लोगों का मतलब कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई जब स्कूल बंद हुआ। हेमलता का बर्थडे था सन 2019, जब स्कूल में मतलब स्कूल शट डाउन होना था मार्च में ही, उससे पहले मतलब मार्च में तो एग्जाम चल रहे थे, मार्च में बर्थडे आता है, मार्च में एग्जाम थे, शटडाउन होना था अप्रैल में। हमें बताया, हमें मतलब बाद में बताया था क्योंकि बच्चों का रिजल्ट वगैरह भी डिक्लेयर करने थे, तो बस वही चीज थी। तो स्कूल में थे कि ये बर्थडे वाले दिन ग्रीन कलर का सूट, इससे लाइट कलर था ना, देखा मुझे याद है लाइट ग्रीन कलर का सूट। और मेरा हमेशा ये रहा है बर्थडे पे, टच वुड आज तक, मतलब मैंने अपने बर्थडे पे हमेशा नया कपड़ा पहना है, और उस दिन भी मतलब हमेशा से मैं एक्साइटेड रहती थी बर्थडे के लिए, बर्थडे को लेके, चाहे मैं छोटा मोटा ही कुछ करूं लेकिन मैं करती जरूर थी, चाहे मुझे कहीं बाहर जाना है, मॉल में जाना है। कुछ टाइम पीछे ऐसा बीता था कि बिल्कुल मतलब हर चीज से वो हो गया था कि कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना कि जीने की उम्मीद नहीं रहती है, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं आपके साथ, तो सेम चीज मेरे साथ थी ऐसा ही। लेकिन जब फिर धीरे धीरे मेरा उस स्कूल में एक साल बीता, थोड़ा मेरा टाइम निकलने लगा, सिस्टी भी बड़ी हो रही थी कुछ उसके साथ टाइम, फिर स्कूल में भी इनके जैसे फ्रेंड मिल गए थे, एक दो फ्रेंड्स और थे, तो ऐसे ही बातें होती थी, टाइम निकलता था घूमते हुए, मतलब एक साल हमें हुआ और मार्च में मेरा बर्थडे आया। और दो चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इससे पहले एक बार हिमलता ने मुझे बोला कि सर आप मेरी क्लास में आके खड़े हो जाओगे क्या, और लिटरली उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। मैंने क्या कि ठीक है मैम मैं आ रहा हूँ, तो एक टीचर से मैं डिस्कस कर रहा था साथ वाली ही क्लास में, तो फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं आया डिस्कस करने के बाद, क्योंकि वो टीचर मुझे छोड़ ही नहीं रही थी कि ये बात निकलती जा रही थी। मैंने कहा ओके मैम, तो ऐसे करते करते होता है ना, आप बात खत्म करना चाह रहे हो, सामने वाला पर्सन खींचता जा रहा है, तो वो मैम खींचती जा रही थी, मैंने कहा मैं जल्दी से जाऊं और जाके खड़ा हो जाऊं क्लास में थोड़ी देर के लिए। तो मैं वो खींचते खींचते उन्होंने 2-3 मिनट तो कर ही दिए थे, तो 4-5 मिनट लगभग बीत गए थे, फिर मैं गया क्लास में, तो जाके और मुझे लिटरली मतलब इस बंदी का रोना शुरू। मैं कह रहा हूँ और मैंने कहा ये क्या हो गया, कह रही नहीं सर कोई बात नहीं, अब जरूरत नहीं है, अब आप जाओ। नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, अब आप जाओ, मतलब और कैसे, मतलब इसके बोलते बोलते रोना छूट जाता है, भाई कैसी लड़की है ये। मैं ये सोचता था कि यार मतलब ऐसे कौन बोलते बोलते, मतलब एक होता है ना बहुत ही सीधापन, इसे बोलते हैं बहुत ही सीधापन, कि जिसमें अगर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है समझ रहा है तो उसको रोना आ जाए, तो मतलब ये ऐसी, और इवन इंटरव्यू में भी रोई है ये बंदी, बताओ। और एक इंसिडेंट, हाँ जब मैं पहला दिन था मेरा स्कूल में, पहला दिन, वो दिन भी मुझे आज याद है, तो सारी टीचरों के मैंने काम मतलब करने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि रूम की जब आर्ट मैं पहुंचा था ना फर्स्ट डे मेरा रूम में, तो रूम ना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं पहले इसकी सफाई करूंगा, प्रिंसिपल मैम ने कहा कि इसकी सफाई करवानी है तो सफाई कर लो। सारी टीचरों के काम करने के लिए मैंने मना कर दिया कि भाई मैं पहले सफाई करूंगा, कुछ कुछ के मैंने हेल्प कर दी थी कि ऐसे ऐसे गाइड कर दिया था कि ये ऐसे ऐसे होगा काम, तो
ये आई फटाफट से बच्चों को लेके, फटाफट से सर 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 मेरा ये काम कर दो। और पता नहीं मैंने, पता नहीं क्या भाई मैंने कर दिया, काम छोड़ के मेरा काम करने लगे, कर दिया। तो अब जैसे मैं उन पास्ट की बातों को सोचता हूँ ना कि यार सच में एक जिस, अब मुझे नहीं पता था कि इस बंदी से मेरी शादी होने वाली है, मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा होगा कि मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहूंगा, इसके लिए मैं मरूंगा, मतलब इसके लिए मैं जी नहीं पाऊंगा इसके बिना, मतलब ऐसी चीजें होंगी, मतलब सोचा नहीं था। और उस टाइम मैंने वो काम कर दिया, और पता नहीं क्यों उस दिन जब वो मैंने काम किया तो कहीं ना कहीं वो एक कुछ चीजें होती है ना माइंड में ब्लर होती है, वो आपको मतलब आप देख नहीं सकते उस चीज को, लेकिन मुझे आज भी याद है और मुझे पहले भी याद था कि इसने उस दिन फर्स्ट डे जब मैं पहुंचा था तो क्या किस कलर का क्या सूट पहना हुआ था, तो वो मुझे याद है। और मतलब बहुत चीजें ब्लर है, बस मुझे कलर कुछ याद है कि इसने क्या पहना हुआ था। तो उसने कहा था हाँ मैंने ऐसा ही कुछ पहना हुआ था। तो और फर्स्ट डे ही मतलब मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी, मतलब मोस्टली चीज़ में ऐसी लगी, इसने भी बोला कि हाँ फर्स्ट डे ही अच्छा लगा, मतलब आप देखे लुक वाइज पर्सनैलिटी वाइज अच्छे लगे। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब रिलेशनशिप वाला पहले दिन ही आ गया था, वो ऐसा कुछ नहीं था। तो एक होता ना कि अच्छा लगना, कोई पर्सनैलिटी आपको पॉजिटिव लग रही है, अट्रैक्ट करती है, आपको अच्छी लगती है, आप उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते हो, उसके लिए हर चीज़, जैसे कि कोई आपके लाइक इंस्पायर करते होंगे कुछ लोग आपको, तो आप लोगों को कुछ लोग अच्छे लगते होंगे तो आप उनके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हो। तो वो कुछ इस टाइप का कुछ हमारा एक बॉन्ड था। तो जब हेमलता का बर्थडे था 2019 में, तो उस टाइम मैं तो इस रिलेशनशिप में अपने रिलेशनशिप से जूझ ही रहा था, तो ऐसा सीन मेरा चल ही रहा था। तो बर्थडे वाले दिन ये पूरे स्कूल में पायल पहन के छम छम करते हुए घूम रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि यार स्कूल में पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, पूरे कॉरिडोर में छम 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 छम, मुझे पायल कौन पहन के आता है? हेमलता सूट पहन के, बर्थडे था, सूट पहन के आए और पायल पहन के पूरे स्कूल में छम छम करती हुई घूम रही थी। हाँ गोल्डन कलर की ना। तो उस दिन क्या हुआ, बर्थडे वाले दिन एग्जाम भी था, तो ये एग्जाम के बाद सब उसको मिठाई खिलाई, और मैं उस टाइम जिम विम करता था, तो मैंने मिठाई विठाई बिल्कुल बंद की हुई थी, अवॉइड की हुई थी, तो मैं मीठा बिल्कुल खाता नहीं था। मेरे पास मिठाई विठाई आती थी बर्थडे की, मैं ऐसे दूर से नमस्ते कर देता था कि मतलब विश अपनी तरह से कर देता था उनको, मिठाई विठाई नहीं लेता था मैं। मेरा जैसे ही मैं स्टेयर से उतर के नीचे आता था ना, तो हेमलता का रूम क्लासरूम आता था, तो जैसे ही मैं आया ना, और जो मिठाई देने वाली दीदी जो मिठाई खिलाती है सबको, तो ये हेमलता के रूम से वो दीदी बाहर निकल रही थी और मैं नीचे आ रहा था, तो मेरे नीचे पहुंचते ही दीदी ने बोला कि सर मिठाई, उन्होंने कहा कि ये तो खाएंगे, दीदी ने बोला कि ये तो खाएंगे ही नहीं। हाँ मैंने भी बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। तो हेमलता ने एक उठाया था रसगुल्ला अपने लिए और अपने खाने के लिए, मुझे आता देख और दीदी ने, दीदी के ये बोलना हुआ कि सर तो खाएंगे नहीं, तो फिर इसने बोला कि कैसे नहीं खाएंगे मैं खिलाती हूँ। तो वो ने क्या हुआ, मैं जैसे क्लासरूम के बाहर पहुंचा मैं, मुझे खिला दिया और मैं देखता रह गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इस बंदी ने ये नहीं देखा कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, और ये नहीं देखा कि सामने दीदी खड़ी है, बिंदास खिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ये क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही जैसे कई बार होता है कि हम किसी फ्रेंड्स के लिए बोल देते हैं कि कैसे नहीं करेगा मैं बताती हूँ। हाँ। तो बस वही इंटेंशन था। हाँ। मतलब मुझे मिठाई खिलानी थी, मुझे ये था कि मेरे बर्थडे की मिठाई कैसे नहीं खाएंगे। हाँ। हम अच्छे दोस्त हैं, बातें शेयर करते हैं, सारी चीजें हैं, तो मिठाई कैसे नहीं खाएंगे। हाँ। बस हाँ। मैंने उठाया और इनको खिला दिया और ये देखते रह गए ऐसे ऐसे। मैंने बाद में मेरा ध्यान गया कि वो बच्चे भी तो बैठे। तो फिर ये ओवरऑल हमारी ऐसा कुछ कनेक्शन स्टार्ट हुआ, कनेक्शन क्या स्टार्ट हुआ, देन फिर उसके बाद स्कूल का ऑफ हुआ और बस का खराब होना हुआ। जब स्कूल बस मतलब हम जा रहे थे तो हमारी ही एक बस थी जो रुकी हुई थी, वो अभी मतलब उसमें टाइम लगता, तो हेमलता को जाना था कहीं, तो ये इसने अपने फ्रेंड से बात की हुई थी, इसकी फ्रेंड्स वेट कर रही थी निकलना है, और बस का खराब होना हुआ। और मैंने सोचा कि यार मेरी भी तो क्लासेस होती है या मेरे भी तो काम होते हैं, तो मैं तो वैसे ही नहीं टिकता था, तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ अपने बस से,
तो मैं उठने लगा, तो उसके बाद एक और थे मेल, वो म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ साथ में। मैंने कहा चलो फिर, एक से भले दो। फिर उसके बाद फिर एक डांस वाली टीचर थी, तो उन्होंने भी बोला मैं भी चलती हूँ। फिर ये भी बोल पड़ी कि मैं भी चलती हूँ। तो हम लोग हो गए चार लोग हम लोग निकले, और निकल के हम चलते बने। तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो एक तरह से ये हो गया कि स्कूल में स्कूल बस से आप हमेशा जाते हो, और आज बस खराब हो गई। और बस हाईवे वगैरह पे कहीं नहीं खराब हुई थी, मतलब स्कूल में ही खराब हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम सबको छोड़ के भाग गए थे, और टीचर्स तो बैठे हुए थे बच्चों के साथ। तो हम चार थे, हम चार निकल गए। फिर थोड़े बहुत प्रिंसिपल से डांट तो पड़ी थी अगले दिन बुला के कि भाई तुम लोग कैसे निकल गए, वो होता है ना, आप कैसे निकल गए, मतलब बिना परमिशन के कैसे निकल गए, आप सिर्फ आपको उनको पूछ के जाना चाहिए था। तो वो ऐसा ही सीन था, वरना तो छुट्टी तो हो ही चुकी थी। फिर वहां जाकर हम लोगों ने ऐसे ही गोलगप्पे वगैरह खाए के बाद फिर वो दो चले गए और हम रह गए दो। फिर हिमलता को जाना था फ्रेंड से मिले, जब फोन पे बातचीत हुई तो पता लगा कि इसके फ्रेंड वेंड तो वो निकल गए, उनको कहीं अर्जेंट काम से फिर जाना पड़ा। और ये इसने बोल दिया था घर पे कि मैं बर्थडे मना कर आऊंगी अपना बाहर, तो मतलब फ्रेंड के साथ जा रही है घूमने। तो वो फ्रेंड तो नहीं थी। फिर इसने कहा कि सर मैं आपके साथ चलती हूँ आपके स्टूडियो, चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये स्टूडियो आई, ये स्टूडियो ये ऐसे नहीं है कि फर्स्ट टाइम आई थी, स्टूडियो से पहले दो से तीन बार ही आ चुकी थी। ये ऐसे ही लोगों को मेरा स्टूडियो देखने का क्रेज होता था ना कि सर जब आप ऐसे हो तो आपका स्टूडियो कैसा होगा। तो यहाँ आके मोस्टली लोगों को पॉजिटिव फील हुआ है और वाओ। जब ये आई तो ये बोलती थी यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता, इतनी ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है जिंदगी यहीं बिता दूँ। तो इसकी ये लाइनें थी, तो आज देखो जिंदगी यहीं बिता रही है। कहते हैं ना अपने बर्थडे पे जो विश मांगो आपकी पूरी होती है, सच में मेरी तो हुई है। तो उस दिन पता नहीं ऐसा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे फील हुआ, जो इसका अकेलापन देखकर और मतलब बहुत सारी सी चीजें कि ये अकेली। और फिर उस दिन ना हमारा बहुत मतलब बहुत सारी बातें हिमलता ने शेयर की, हम मतलब चाय ऐसे ही बैठ के पी रहे थे, तो बहुत सारी बातें शेयर की, बताया अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें। तो एक ना ऑटोमेटिकली वो कनेक्टिविटी मुझे इसके साथ वो फील हुई। एक होता है ना आप स्ट्रांगली किसी के साथ आप खिंच रहे हो, आपको फील हो रहा है कि आप उसकी तरफ जा रहे हो, क्योंकि वो मतलब दोस्त में कह लो कि कोई इतना मतलब खास में ये ऐसे नहीं था कि ये बिल्कुल अपनी डीप जाके अपनी बात, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई इतना ज्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और इसका मतलब कहीं घूमना फिरना नहीं, जो ये लाइफ चाहती थी ना कि एक एंजॉयमेंट वाली लाइफ हो, अच्छी फैमिली हो, मेरा भी कोई मतलब ऐसा दोस्त, मेरा पार्टनर, मेरा सोलमेट ऐसा हो जो मुझे हर मेरी विश पूरी करे, हर वो चीज़। इतनी सीधी होने के बाद, इतनी अच्छी होने के बाद इसके साथ ऐसा हुआ, मतलब शादी हुई, फिर बच्चा, और मतलब उसको अकेले छोड़ दिया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत डीपली एक कनेक्शन मेरा जुड़ने लगा। और ऐसे जुड़ते जुड़ते वो कनेक्टिविटी हमारी, और एग्ज़ाम के जस्ट बाद क्या होता है कि टीचर्स को एग्ज़ाम वगैरह पेपर वगैरह चेक करने के लिए जाना होता है, तो तब हमारा मिलना जुलना, फिर हमारी बातें, और मतलब ऐसी कनेक्टिविटी हमारी स्ट्रांग होने लगी। मेरा जो पहले रिलेशनशिप था वो तो मेरा ऑलरेडी फिनिश के लेवल पे ही था, तो मेरा जो डिसीजन था, मैंने इसमें बताया है वीडियो में कि मैं खुद ही नहीं रहना चाहता था, तो उस मैंने डिसीजन ये लिया था कि मुझे नहीं रहना। तो इस चीज़ में घर परिवार पे कैसे बताया, घर परिवार पे मतलब मम्मी पापा को, जैसे मैं एक बार घर पे गया तो एक हो जाता है ना कि पेरेंट्स को उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे बच्चा किस डायरेक्शन में है और उसको क्या चीज़ मतलब हो रही है, उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही है। तो उनको पहले से इस चीज़ का पता चल गया था, हालांकि मेरे ट्रांजिशन का नहीं पता था। उससे पहले हिमलता को जब मैंने बताया था ना एक बार स्कूल टाइम पे, तब इसने ऑलरेडी पहले से ही मम्मी को वीडियो दिखाई थी मेरी ट्रांजिशन की। तो तब मम्मी को ये नहीं पता था कि हिमलता ने जिस पर्सन की वीडियो दिखाई थी वो मैं ही हूँ जब मैं घर पे आया था। तो बाद में पता चला मम्मी को पापा को, तो वो एग्री हो गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ भाई कि तुम ऐसी चीज़। हाँ एक ये थोड़ा बहुत ये होता है ना कि पहले पास्ट लाइफ को लेके वो डरे हुए थे कि भाई इसकी ये पास्ट लाइफ ये रही है, कहीं अब दोबारा इसके साथ ऐसा होगा तो ये जी नहीं पाएगी, या इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, या ये चीज़ उस अगर दोबारा वो चीज़ हुई तो शायद फिर हम लोग भी ना झेल पाएँ और ना ये उस चीज़ को झेल पाए, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा फाइट करी है हिमलता ने इस चीज़ के लिए। मतलब 4 से 5 साल तो भटकना, कोर्ट के चक्कर काटना,
और मतलब आजकल पता है ना कि दुनिया में हर कोई है ना खाने के लिए दौड़ता है, एक फीमेल को जब देखता है ना, और जब कोई एक सुंदर लड़की हो तो, और खासकर हर लोग यूज़ करना जानते हैं। अच्छा कोई भी काम करने के लिए किसी मेल से आप चले जाओ मेल के पास, तो हर कोई चाहता है कि अपना फ़ायदा पहले देखेगा वो। और इसको ये लग रहा था कि एक होता है ना कि बिल्कुल इंडियन लड़की, जैसे कि माइंड में कि हाँ भाई दूसरी शादी नहीं कर सकते, मुझे एक ही शादी, मतलब अपना घर बसाना है, यही चीज़। इसको बोला कि आप वैसे ही एज ए फ्रेंड ही मैंने पहले ही बोला था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक किसी एक पर्सन के पीछे पागल मत हो, जो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अगर मिलना होगा कोई पर्सन आपको तो मिल जाएगा, तो इतना किसी पर्सन के पीछे मत भागो, तो उसकी खासियत फिर ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये सब बातें मैंने बहुत पहले ही बोली थी, मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ ही आ जाएगी या मुझसे ही मिलना हो जाएगा, है ना। तो कनेक्टिविटी बढ़ते बढ़ते हिमलता का जब वो स्कूल शटडाउन हुआ, फिर हमारा मिलना जुलना स्टार्ट हुआ, मतलब मिलना जुलना क्या, फ़ोन पे बातें, और यूँ कह लो कि हम अनजान थे उस रिलेशनशिप से कि हम कितना खास होते जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, पता नहीं होता। और हर एक मिनट पे अच्छा कोई हम नई चीज़ कर रहे हैं तो हम, मैं इस बता रहा हूँ कि अच्छा मैंने ये चीज़ की, अच्छा ये हुआ, अच्छा मतलब ऐसे करते करते आपको पता नहीं होता है कि खूब वो कितनी, ये मेरे लिए कितनी खास हो रही थी, और इसको नहीं पता था कि मैं इसके लिए कितना खास हो रहा हूँ, और अनजान थे हम चीज़ से। तो स्कूल तो शटडाउन होने के बाद फिर हमारा मिलना जुलना, मतलब एक तरह से बातचीत हमारी, और कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती थी या कोई भी मैं चीज़ों को फेस कर रहा था या कोई भी मेरे मुझे बातें डिस्टर्ब कर रही थी या मैं डिप्रेस था किसी भी चीज़ों को लेके, जो मेरे अपने पास्ट को लेके मैं डिप्रेस था, तो वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा था हिमलता से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो वो एक चीज़ें, वो मेरी चीज़ें शेयर करना, वो मेरा भी दिल हल्का होता था कि मैं इसे वो चीज़ें शेयर कर रहा था और ये मुझसे अपनी चीज़ें शेयर करती थी, दोनों का कनेक्शन इतना, ऐसी चीज़ें करते करते कब इतना स्ट्रांग हो गया। और फिर हेमलता को पहले से इस चीज़ का ये अंदाज़ा हो गया था कि हाँ मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, हमें एक गैप बनाना है, मतलब गैप इन द सेंस, क्योंकि ये अपने उस लाइफ के बारे में ही सोच रही थी कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे बच्चे के लिए मुझे उसी लाइफ में ही वापस जाना है या वही लाइफ जीनी है। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये लाइफ ये आप ही की है, डिसीज़न आपका है। और मैंने क्या हुआ कि प्रपोज़ करने का मैं बताता हूँ, प्रपोज़ मैंने एक स्कूल में ये इंटरव्यू देने गई थी, जहाँ हालांकि मुझे पता नहीं था, तो मैंने किसी जो हमारे स्कूल में ही एक थी उनको पता था कि हाँ हम हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हुआ है, तो मतलब ऐसी बातचीत, तो मैंने उनके थ्रू फ़ोन करवाया, क्योंकि इसने क्या हुआ कि मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया था, तो मतलब नंबर मेरा फ़ोन नहीं उठाना कि भाई ठीक है हमें ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग नहीं करना, हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी, तुम अपनी लाइफ में आगे रहो और मैं, मुझे अपनी लाइफ में आगे जाना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पसंद नहीं था, क्योंकि ये जानबूझकर मुझे साइड हटाने की कोशिश कर रही थी कि मैं, ये मेरे तरफ ज़्यादा ना खिंच जाए, ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि इसको पता था कि मैं स्ट्रांग पर्सनैलिटी हूँ और ये बहक जाएगी ज़्यादा ऐसी चीज़ हुई तो, इसलिए जानबूझकर और गैप बना रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत हो रही थी ख़राब, क्योंकि जब हम एक किसी पर्सन से सारी चीज़ें शेयर करते करते या अपना डिप्रेशन, आप मैं भी खुद अपने डिप्रेशन लेवल को कम कर रहा था इसे शेयर करके हर तरह की बातें, तो उस पर्सन को मैंने कॉल किया कि मैम प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हिमलता मैम से बात करा दो, कॉन्फ्रेंस पे ले लो, मैं म्यूट कर लूँगा अपने आप को, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने ऐसे ही, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं, मेरे साथ अधिकतर यही होता है, जब मुझे बात नहीं करनी तो मतलब नहीं नहीं करनी है, करनी। मैंने कहा था कि मिलने के लिए बुलाना, तो उन मैम ने बोला कि हेलो मैम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बस बाहर आई थी, तो मैं सुन रहा था सारी बातें, बाहर आई थी, किसी ने ये नहीं बताया कि कहाँ आई थी, मैंने सुना है, तो उसने बोला कि बस ऐसे ही बाहर आई थी कहीं काम से। इंटरव्यू के लिए बोला था आपने? नहीं, मैंने इंटरव्यू के लिए नहीं बोला हाँ था, आपने बोला था मैं बाहर आई थी, मैंने बस जगह बोली थी। हाँ, मैं 56 सेक्टर आई थी। 56 सेक्टर, हाँ इसने बोला था मैं 56 सेक्टर में आई थी, तो ऐसे ही कहीं काम से। तो उसके उससे बाद पहले मतलब मैंने, जब हमारी बात हो रही थी तब मैंने इनसे डिस्कस किया था कि मुझे 56 सेक्टर जाना है। नहीं 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 मैंने बताया था कि नहीं मुझे, नहीं
नहीं बताया था। अरे मैंने बताया था कि मुझे 56 सेक्टर इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके बाद हमारी लड़ाई हुई थी, मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था, फिर आपको इसीलिए आपको पता चला था कि आप 56 सेक्टर में कहाँ हो सकते हो। अरे बताया आपने ये बोला था कि मैं इंटरव्यू के लिए मैं जाऊंगी, पर ये नहीं बताया था सेक्टर 56 में जाओगे आप। कोई भी स्कूल बोला, मतलब स्कूल बोला आपने कि मैं स्कूल में जाऊंगी, पर आपने मुझे ये नहीं बताया था मैं फलाना इस स्कूल में जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैं इसने उन मैम ने बोला कि मैम आप मिल सकते हो, उसने बोला हरीश बेकरी पे मिल लोगे, तो उसने कहा कि आज तो मैं मिल नहीं सकती, तो ऐसे ऐसी कुछ बात हुई। तो फिर मैं बोल पड़ा, तो मैंने कहा हेलो, तो ये मेरी आवाज़ सुनते ही फिर ये चुप हो गई। फिर मैंने बोला कि आप हेलो हेलो, तो ऐसे करते मैंने कहा मेरी बात तो सुनो प्लीज़, मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो प्लीज़। तो सुना नहीं, फ़ोन काट दिया इसने बिना कुछ सोचे, मेरे से बात किए, मेरे को और गुस्सा आया। फिर वो मैम ने बोला कि सॉरी सर मैं इतनी बात करा सकती थी बस जितना मेरे से हो पाया। मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम। फिर उसके बाद मैं चलता रहा, चलते चलते गाड़ी में अचानक से मुझे ख्याल आया कि सेक्टर 56 में जा कहाँ सकती है। मैं बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगाते हुए कहा सेक्टर 56 में कितने स्कूल है, क्योंकि स्कूल में ही जा सकती है इंटरव्यू देने। और मैंने फटाफट से फ़ोन निकाला, गूगल किया, और सेक्टर 56 में मुझे एक ही स्कूल समझ में आया। मैंने कहा और बाकी चीज़ें बाद में देखूंगा। मैंने बहुत स्पीडली गाड़ी घुमाई, यू टर्न मारा, और मतलब इतनी स्पीडली मैं भागा ना, मतलब बता नहीं सकता। और वहाँ पर पहुँचते ही फिर मैं सोचा मैं पता कैसे करूँगा कि स्कूल के अंदर है, क्योंकि ये तो इसके पास तो कन्वेंस तो है नहीं। तो मैं वहाँ पे मैं पहुँचा और मैंने गाड़ी लगाई, मैंने मेरे दिमाग में यही चीज़ है। और उस टाइम पता है मैं किस कंडीशन में था, स्कूल मैंने चप्पल में था और टी शर्ट मैंने इतनी आप वाजू की मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी बेकार सी, और पैंट में था। और उस दिन मैंने लिटरली पूरा दिन एक मतलब पानी का ड्रॉप तक नहीं पिया था, खाना नहीं खाया था, और शाम के 4 या 5 बज रहे थे, है ना, 4 या 5 बज रहे थे। उस टाइम मेरी ये हालत थी जब फ़ोन मेरी इस हेमलता से बात नहीं हो रही थी। तो वो दिन था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी के लिए प्रपोज़ करूँगा। और फिर जब मैं सोचा कि मैं इसको ढूंढूंगा कैसे, पता कैसे लगाऊंगा कि इसी स्कूल में है, तो मैं रिसेप्शन पे पहुंचा, रिसेप्शन पे नहीं जो गेट पे एंट्री करते हैं गार्ड, तो मैंने कहा कि इस गार्ड के ना रजिस्टर में इसकी एंट्री होगी, मैं किसी बहाने से वो रजिस्टर देख लूँ ना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये अंदर ही है। तो मैं गया तो गार्ड ने पूछा हाँ जी, कि भाई मैं तो स्कूल में जाने वाली हालत में ही नहीं था, चप्पल में। तो मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, वो एक मैम आई हुई इंटरव्यू के लिए, तो उनके साथ हूँ मैं। तो मैंने ऐसे तुक्का मारा, तो उन्होंने कहा अच्छा, कह रहे एंट्री कर दो। तो मैंने एंट्री करने लगा, तो एंट्री करने के बहाने से ही मैंने वो रजिस्टर में देख लिया, और नहीं तो फिर मैं बाहर से कटक लेता। तो देखा मैंने इसमें हेमलता नाम लिखा हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है, फलाने फलाने। मैंने कहा वाह बेटे मौज हो गई। तो मैं अंदर गया, और जब मैं अंदर गया तो ये बैठी हुई है सामने रिसेप्शन सोफे पे, मैं चलता चला जा रहा हूँ और ये देख के शॉक्ड। आप शॉक्ड हुए थे? मैं मतलब ऐसे ही देख रही थी, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा मैं ये कहाँ से आ गए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मतलब डायरेक्टर सर से मीटिंग करके तभी मैं बैठी थी आके, एक मैम और आने वाली थी उनसे बात करनी थी, इतने में ये आ रहे हैं सामने से देख के, तो फिर मैं चुप सोचे पड़ गई ये कैसे आ गए यहाँ पर। तो सोच में पड़ गई ये मैं कैसे आ गया। तो मैंने ढूंढ निकाला हेमलता को कि कहाँ पर है, कहाँ पहुँची है, तो मैं वहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद फिर मैंने वहीं पर इसी स्कूल में ही इसको प्रपोज कर डाला। मैंने कहा शादी करोगे मुझसे? क्या तब भी मना कर रही है? नहीं, रो रही है लेकिन मना कर रही है, इसको पता है कि स्ट्रांगली किस पर्सन को मना कर रही है। भाई मुझे तो लड़कियाँ खुद बोलती है आके, मैंने कहा ये मुझे मना कर रही है, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही, और वो रीज़न यही था। और मैंने मेरे आंखों में भी आंसू थे और मैं भी बोल रहा था। फिर स्कूल के बाहर आए, स्कूल के बाहर बहुत देर तक खड़े रहे, मैंने बोला, तो इसने बहुत सारी बातें बोली, मैंने भी बोली। मैं कहा अच्छा चलो कुछ नहीं, आपको मुझसे मिलना नहीं है, ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रखना, कुछ नहीं करना। मेरे आंखों में लिटरली आंसू थे, और मैं एक तरह से, वो कहता ना इंसान ज़िंदगी की भीख मांगता है, मुझे ये मेरे दिल में इतना बस चुकी थी ना इसकी बातें, इसका इनोसेंटपन, और वो बात खूबसूरती की नहीं है, खूबसूरती में मैं ये नहीं कह रहा कि हेमलता खूबसूरत नहीं है या और कोई खूबसूरत नहीं है, बहुत लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया ऐसा नहीं है, बट मैं अपने रिलेशनशिप के लिए ट्रू था, मतलब सही था अपने रिलेशनशिप के लिए।
जो मुझे पसंद है मेरी लाइफ में वही होगा, नहीं तो अदरवाइज कोई पर्सन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि, और जब मैंने मतलब प्रपोज किया ना, उसके बाद मेरे आँख में आंसू, इसकी अभी आँख में आंसू, बट इसने मना कर दिया। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं करनी। मैंने कहा आप अगर वेट करने के लिए बोलोगे ना, मैं 1 साल 2 साल 3 साल वेट कर लूंगा, अगर आप बस हाँ कर दो मेरा अभी। मना करने का रीजन मेनली ये रहा था, ये था कि मतलब मेरा केस चल रहा था और उस केस का मुझे मतलब डिसीजन का नहीं पता था कि आगे चल के क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हो सकता है कि वो दोबारा से जुड़ जाए या कुछ भी है, लेकिन शायद मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, तो वही चीज़ थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर कुछ टाइम जैसे निकला, इन्होंने प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया, फिर बाद में इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था, अच्छा ठीक है शादी नहीं करनी तो ठीक है, मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो। हाँ, उस दिन मैंने ये बोला कि मेरा, अच्छा ठीक है आपको कोई मतलब ऐसा लगता है तो बस मेरा एक बार नंबर अनब्लॉक कर दो। तो फिर ऐसे ही जब घर पहुँचते ही फिर मेरा नंबर अनब्लॉक, मैं बार बार स्क्रॉल कर रहा था कि इसने मेरा नंबर ब्लॉक अनब्लॉक किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। तो वो मैसेज जब जाने लगे तो मैंने कहा हाँ नंबर तो अनब्लॉक कर दिया। फिर मेरी बात हुई, फिर भी मैंने मनाने की कोशिश की। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मतलब पीछे नहीं पड़ते हैं, ठीक है किसी के इतना पीछे नहीं पड़ा जाता, पीछे नहीं पड़ते हैं। मैं उसके पहले इसको समझता हूँ और उससे अपनी बातें करने की कोशिश, मतलब अपना, मैंने बातें तो अपनी शेयर कर दी, पहले मैं उसको मौका देता हूँ कि वो क्या डिसीजन लेती है। बस मैंने इतना ही ये चीज़ें, और उसी में ही हमारी बात चलती रही। इसको भी अच्छे से पता था, इसको मुझसे बात करे बिना ना नींद नहीं आती है। तो ये मतलब हमारी बात भी होती थी, बातें वो कहते हैं ना हजम नहीं होना, कि एक दिन बात नहीं हुई तो हमें हम दूसरों का हमें हम एक दूसरे को एक अधूरा सा महसूस करते थे। और इसको भी नहीं पता था कि ये मुझसे कितनी कनेक्ट हो चुकी है और ये मेरे बिना नहीं रह सकती थी, इसको भी अच्छे से पता था। ऐसे करते करते ही वो और कनेक्टिविटी स्ट्रांग होना, तो मैंने भी यही बोल रखा था, मैंने कोई बात नहीं डिसीजन आपका है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी ज़िंदगी काटनी है तो मैं ऐसे ही काट लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लाइफ में किसी के साथ उसी के साथ जुड़ सकता हूँ जो, जिसके साथ मुझे अच्छा लग रहा है, या कनेक्टिविटी मेरी उसके साथ स्ट्रांग है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत अच्छी है। किसी भी रिलेशनशिप को आप ले लो, अंडरस्टैंडिंग जहाँ बहुत अच्छी होगी, और जहाँ, और कहीं ना कहीं मुझे है ना पता है क्या चीज़ फील होती थी, कि क्या ये ट्रांस लोगों को समझ पाएगी। शादी होने के बाद अगर मैं कभी किसी LGBT कम्युनिटी के और किसी पर्सन से मिलाऊंगा, या ट्रांस वूमेन से मिलाऊंगा, या बहुत सारे किसी भी मतलब ट्वीट फाउंडेशन वगैरह, जैसे मैं ऐसे शो वगैरह करता हूँ कहीं लेकर जाऊँगा, तो क्या ये इन लोगों की सिचुएशन को समझ पाएगी। ये शायद मैं शादी करने का डिसीज़न लेने से पहले ही मैं इस चीज़ों को सोच रहा था, पर मैं बहुत चीज़ों में गलत था। जो मैं शुरू से ही हिमलता के बारे में जो मैंने चीज़ें सोची कि गांव की है, या फिर मतलब घर में ही रहती है, इसको फालतू, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैं कुछ अलग करूँगा, इसके कोई ड्रीम्स नहीं है या कुछ ऐसी है, तो जो भी मैं बातें सोचता था ना, कि सब लोग ये समझते थे ना जैसे कि अकेली है बेचारी है, कुछ खास नहीं है इसकी लाइफ, तो वही है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो वो कुछ ऐसे ही मेरे माइंड में भी इसको लेके ऐसी थिंकिंग थी स्कूल टाइम में, जब ऐसे कलिक हम काम करते थे, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं इसको जानने लगा ना, तो सच में हर एक बात से ये मेरा दिल जीतती गई। जो घर परिवार चलाने की बातें, जो एक रिलेशनशिप की बातें, जो अंडरस्टैंडिंग की बातें, कैसे मुझे समझना है क्या मेरी एक एक ज़रूरतों को, क्या क्या मेरी माँ का ख्याल रखना है, या घर परिवार में बैलेंस बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी है, या मेरे पास पैसे नहीं है तो उस सिचुएशन में भी कैसे चीज़ों को करना है, तो हर एक बातें। और मुझे ये भी था कि कहीं ये कैमरा लाइफ को एक्सेप्ट ना करे, या कहीं कुछ चीज़ों में मुझे बोले कि आपको नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। हर चीज़ के लिए ठीक है जी आप जो कहोगे वो होगा, ठीक है जी आप जो कहोगे वो होगा, एक मतलब एक लेवल यहाँ से यहाँ कर देना। और मुझे ये लगा था कि हिमलता की जैसी फिर मुझे कोई नहीं मिल सकती। बस फिर मेरा डिसीज़न फिर यस था, ओके था, बहुत सोच समझ के मैंने कहा आर पार ये डिसीज़न, क्योंकि देखो लाइफ में परफेक्ट तो कोई नहीं होता। अगर आप इतना सोचने में लग जाओगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट होगा या नहीं, या 101% खूबियाँ तो किसी में नहीं होती, कुछ ना कुछ तो कमियां हर किसी में रहती हैं, हर कोई एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं होता। तो मैंने उस टाइम ये डिसीज़न ले लिया था, ऐसे प्रपोज किया, और फिर धीरे धीरे चलते चलते हमारी कहानी आगे बढ़ी। फिर मिलना जुलना तो था ही, फिर चीज़ें होते होते एक टाइम के बाद हेमलता ने डिसीज़न लिया, क्योंकि ये
वो लास्ट बार उस पर्सन से मिलने गई थी, जो पर्सन जो एक बच्ची को छोड़ के, मतलब फिर मैं वही कहूँगा कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बट फिर भी एक मतलब एक बात को एंड करने के लिए, तब इसने देखा कि वो उस पर्सन का कोई लेवल मतलब है नहीं, वो इतना इग्नोर कर रहा है जिस जो कोई समझना ही नहीं चाहता और अपनी बेटी की तरफ देखना ही नहीं चाहता। तो उसके बाद एक फिर वो टाइम था मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो जाना, हाँ जब तक मतलब पेशेंस था बना के रखा हुआ था, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जब लास्ट टाइम मिलना हुआ और फिर देखा कि मतलब मेरे लिए नहीं, कम से कम बच्ची के लिए भी कोई प्यार नहीं या कुछ भी चीज़ नहीं, तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार ऐसे इंसान से अब खत्म। वो मेरी बस यही बात रही है कि जिसके लिए प्यार है बेशुमार है, जिसके लिए नफरत है वो भी बेशुमार है, जब तक है जब तक, तो और वही वो चीज सिर्फ थी। ये कोशिश ये सिर्फ सिस्टी के लिए कर रही थी, क्योंकि एक बच्ची को ही पता होता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, मतलब कोई उंगली ना उठाए, कोई उसकी लाइफ को उंगली ना उठाए कि देख तेरे फादर मतलब कौन थे या फलाना ढिमकाना बाद में कौन हुआ, तो ये बच्चे के फ्यूचर पे या बात उठती है आगे जाके। तो बस वो उसके लिए ये कोशिश कर रही थी, ये खुद के लिए नहीं कर रही थी, क्योंकि इसने खुद ही सोच लिया था कि मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दूंगी बट मैं अपनी बच्चे की लाइफ को बनाऊंगी, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो भाई वो कहाँ से चीज़ होगी। और साथ में से तो हिमलता को इतना अच्छा ऑफर मिल ही रहा था, बम्पर ऑफर, तो फिर इसको पता ही था कि मेरे पीछे कौन है जो बंदा मुझे इतना चाह रहा है। मैंने फिर मतलब डिसाइड किया था कि ठीक है, वो सामने से जब इतना मेरे बारे इतना में टाइम होने के बाद वो ख़त्म ही करना चाहता है तो ठीक है, मैंने वो रिलेशन ख़त्म किया। वो सिर्फ मेरी हाँ और ना पे ही मतलब केस चल रहा था कि मैं क्या चाहती हूँ। जब मेरा व्यू क्लियर हो गया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इनका वो चीज़ ख़त्म होने के बाद जब मैंने अपनी इनको लेके अपनी लाइफ इमेजिन की कि मेरी इनके साथ लाइफ कैसी होगी, तो उसके बाद ही मेरा मतलब सारी चीज़ मेरी क्लियर हो गई। इनका हर जैसी जैसे लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए थे, जो मैं मतलब पहले ही मैं इमेजिन करती थी कॉलेज लाइफ में, सबकी जैसे फ्रेंड्स होती हैं आपस में डिस्कस करते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर वैसा होना चाहिए, तो जो चीज़ मेरी जो इमेजिनेशन थी, जब मैं मुझे इनको जानने का मौका मिला तब मुझे लगा हाँ मेरी इमेजिनेशन अब पूरी हो रही है। क्योंकि हर लड़की को एक कैरिंग लविंग हस्बैंड चाहिए जो ये पूरे वही इनके ट्रांजिशन की बात जब इन्होंने बताया वो मुझे पहले ही पता चल चुकी थी, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था, अपनापन चाहिए था, एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो समझे कि हम क्या हैं क्या नहीं है, कोई भी हमारी गलती है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ना कि उस गलती को बढ़ाना है। वो चीज़ मैंने इनमें देखी थी। दूसरी बात, मुझे अपने अपने लिए तो मुझे था ही कि ये मुझे लेके मतलब इनके मन में प्यार है या ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ थी सृष्टि को लेके कि ये मुझसे ज्यादा उसके ज्यादा क्लोज थे। कई एक बार की बात है, हम स्कूल से ही आ रहे थे, सेम बस में हम आते थे, ये सिस्टी के साथ ही खेलते हुए आते थे पीछे, पहले मतलब जब उनको नींद आ रही है तो सो जाते थे, वो मैं फोन करके उठा देती थी और सिस्टी बैठी होती थी मेरे पास। मेरा भी मतलब यही था कि मैं भी बस के पीछे की सीट पे जाके बैठती थी और ये भी पीछे ही बैठे होते थे, मोस्टली टीचर्स आगे होते थे हम पीछे बैठते थे, मुझे भी अपना वो लास्ट अकेला की बात है जब स्कूल में मतलब शटडाउन होने शट वाला डाउन था, होने वाला तब की था, बात है वो। स्कूल बस से हमारा आना जाना था, तो ये सृष्टि के साथ खेलते हुए आते थे तो मुझे अच्छा लगता था देख के। मतलब वो भी सृष्टि भी बहुत छोटी थी तो इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती थी, खेलती थी, वो उसका भी शुरू से ऐसा रहा है, वो हर किसी के साथ जल्दी से मेल के साथ खासकर टच भी खासकर नहीं टच बर्दाश्त भी नहीं करती थी। बर्दाश्त करती थी, वो हाँ कंफर्टेबल किसी के साथ नहीं होती थी, उसको सिर्फ हाँ मम्मी 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 चाहिए होती थी। लेकिन हाँ जब मैंने उसका झुकाव भी इनकी तरफ देखा तो मुझे और भी अच्छा लगा, इनकी तरफ बढ़ना मेरा मतलब और आसान हो गया उसको उसको देखते हुए। तो रही बात अब कुछ सिस्टी की, तो ऐसे हमारा इन्वॉल्वमेंस हुआ मेंस की, और सिस्टी पहले सर ही बुलाती थी, और जैसे कि मैंने प्रपोज किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मानते मानते फिर फैमिली में ये चीज़ बताई, फिर हिमलता ने बताया फैमिली में,
कि मैं शादी करना चाहती हूँ, भाई को बताया तो सबको बताया, सब बहुत एग्री थे। इवन इनकी बड़ी सिस्टर तो बहुत ही खुश थी, वो तो चाहती थी हमारी शादी हो जाए, सिस्टर और इनके जिया जी तो वो चाहते थे हमेशा से, उनको तो पता ही था। खैर जो बहन होती है वो तो पहले अपनी बहन को ही बताएगी, मम्मी पापा को पता चला था, सब खुश थे, सब एग्री हो गए शादी के लिए बहुत आसानी से, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई नेगेटिव किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमारी बात शादी तक पहुंची, फिर स्ट्रगल हमारा स्टार्ट तो था ही, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ थी आसान, हमारा यहाँ तक पहुंचना इतना इजी नहीं था, बहुत स्ट्रगल को फेस करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। और फिर हेमलता का डाइवोर्स वगैरह का मतलब क्लियर करवाया, उसके लिए साथ में आना जाना, फिर मैं जाता था, पापा वगैरह जाते थे साथ में, तो फैमिली में तो इन्वॉल्व हो ही चुका था, पता था कि फ्यूचर में शादी मेरे साथ ही होनी है, तो मैं फैमिली में मतलब इन्वॉल्व हो चुका था, आना जाना कुछ कहीं आना जाना होता था, मतलब एक कहते ना इम्प्रेस करने के लिए भी नहीं, मतलब कहीं ज़रूरत है तो मैं खड़ा हूँ, मैं फैमिली में कहीं आना जाना है उनके पास, मतलब कोई ऐसे सपोर्ट में नहीं था कि वो भी इतने ज़्यादा उनको वीक है मतलब मेंटली, कि हाँ भाई उनको भी ऐसे लगे कि कोई पर्सन है हमारे पास सपोर्ट में खड़ा है। और मैं हमेशा यही चीज़ चाहता हूँ कि उनको यही फील हो कि उनके सपोर्ट में एक बंदा खड़ा है, और मैं इसलिए एक फेम नेम बनाना चाहता हूँ ताकि हम एक ट्रांजिशन लाइफ भी सक्सेसफुल दिखे लोगों को, और एक ये भी दिखे कि हेमलता का पास्ट क्या रहा है, जो लोग इसको बेचारी समझते थे, इसकी लाइफ को बेकार समझते थे, तो ये उन लोगों के लिए भी लेसन है जो मेरी लाइफ को बेकार समझते थे, ये उन लोगों के भी लेसन है। और बहुत लोग हमारी लव स्टोरी जानना चाहते थे तो ये लव स्टोरी उनके लिए भी है। तो ऐसे हमारी बात शादी तक पहुंची, मतलब हर चीज़ें अरेंज करना धीरे 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 धीरे, तो ये मैं हमारी मतलब सेल्फ करना था ये सब चीज़ें, कोई हमारे बैकअप में पैसा लगाने के लिए नहीं था, तो सेल्फ ही सब चीज़ें की थी। तो अभी मैं सिस्टी को बुलाता हूँ, सो बोलो हेलो गाइस। राजवीर व्लॉग्स नहीं है ये, सो नाम बताओ अपना। माय नेम इज सिस्टी। सिस्टी हाउ ओल्ड आर यू? 6 इयर्स ओल्ड। सिस्टी के बर्थडे वाले दिन ही हमें एंगेजमेंट की थी। और सिस्टी आप कुछ बताओगे लोगों को? मेरे से कैसे मिले थे आप? माय मदर नेम इज हेमलता, माय फादर नेम इज राजवीर, माय ग्रैंडमदर नेम इज गीता, माय ग्रैंडफादर नेम इज राजेंद्र। हाँ तो आप मुझे पहले क्या बुलाते थे? सर बुलाते थे। और मैं मतलब कैसे मिला था आपसे? स्टार्टिंग से मिले थे जब मम्मी लेके गई थी। कहाँ लेके गई थी? आपके घर। जब मैंने स्टार्टिंग से आपका स्टूडियो देखा था, कितना अच्छी थी, कितना शांति थी, कितना शांति चिता था, याद है आपको? याद है। तो सिस्टी बचपन से ही मतलब मैंने इसको पढ़ाया है, क्योंकि मैं एज ए आर्ट टीचर जब ये बहुत छोटी थी और इसके मतलब बाल भी ज़्यादा नहीं थे, सर पे उतरे हुए थे, क्योंकि नानू इसके अक्सर गंजा इसको कराते थे तो मैंने देखा था इसको, चुप चुप भी देखा है, इनोसेंट भी देखा है। आपसे मैं कब मिली थी? हाँ मैं आपसे मिली थी जब मैं छोटी थी, इतने से थी। हाँ। फिर जब मैं स्टार्टिंग से आती थी, मम्मी लेके आती थी आपके घर, जब मिली थी। हाँ। फिर मैंने आपका स्टूडियो देखा था। ये बात भूल दी है, और बातें बोलो। सेम बात रिपीट हो रही है। कहाँ घूमने गए थे, या मतलब कहीं घूमे थे? जब चाचू भी थे तब। आपको मेरे साथ कैसा लगता था? अच्छा लगता था। क्या क्या करते थे मेरे साथ? खेलती भी थी, अब मम्मी आ गए, हमने खेलते मेरे साथ तो मम्मी के साथ खेलता हूँ। और ना मैं सब साइकिल चलाते हूँ। साइकिल मेरी खराब हुई पड़ी है ना, इससे तो बनवा लो वीडियो। तो सिस्टी अभी आप देख रहे हो शिकायतें कर रही है कि ये नहीं कराते वो नहीं कराते। आपको आपसे कब मिली थी ना? मम्मी से कम मिली थी। हाँ। मम्मी से तो बहुत पहले ही मिल चुकी थी, जब आंख भी नहीं खुली थी। सिस्टी कभी कभी मेरे से डांट भी खाती है, खाना नहीं खाती तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सिस्टी जब धीरे धीरे बड़ी होगी, जब सिस्टी इतने से इतनी बड़ी हो गई, तो हमने आज अपनी कहानी बताई है। डाइवोर्स केस चल रहा था, और फिर उसके बाद मतलब मैंने सिस्टी को अपने साथ रखा था, क्योंकि स्कूल में एडमिशन कराया था, जल्दी से जल्दी शादी हो और फिर उसके बाद सिस्टी फाइनली मम्मी भी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि कभी कभी ये बहुत रोती थी, ड्रामे करती थी रो रो के,
कि मम्मी चाहिए। तो ठीक है गाइस, फिर अभी हम इस लव स्टोरी को एंड करते हैं। तो होप आपने हमारी लव स्टोरी को एंजॉय किया हो, और अगर आप लोगों के कुछ भी इस लव स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं, हम एक क्वेश्चन आंसर वीडियो भी बना देंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लव स्टोरी पार्ट टू भी ले आएंगे, और कुछ बातें रह गई होगी। तो मुझे पता है कि एक घंटे में ये सारी बातें, पौने घंटे में सारी बातें क्लियर नहीं हुई होगी, मतलब सारी बातें, कुछ बातें एग्जैक्ट एकदम से टाइम पर ही ऑन टाइम पे याद नहीं आती। तो कुछ भी आपके रिलेट आप मतलब क्वेश्चंस आपके रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, हम क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाएंगे। ठीक है गाइस, होप आप लोगों ने हमारी लव स्टोरी को एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सिस्टी से आप मिल लिए हैं, हिमलता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो रजवीर वाले चैनल पे ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो और आप हमारे व्लॉग्स देख सकते हैं, हमारी डेली लाइफ के रूटीन जानने के लिए रजवीर व्लॉग्स हमारा चैनल आप देख सकते हो। रजवीर आर्ट से भी मेरा चैनल है, जिसमें मैं अपनी आर्ट की वीडियोज पोस्ट करता हूँ, रजवीर आर्ट करके। तो सारे चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच वॉचिंग, अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। मिलते हैं राजवीर ब्लॉग में, मिलते हैं राजवीर, मिलते हैं राज ब्लॉग में। ओके बाय बाय।